एकेडमी में आप सबका स्वागत है। रंग दे वीर ऑल इंडिया ओपन ऑनलाइन पेंटिंग कॉन्टेस्ट, जैसा कि हम सब जानते हैं 26 जुलाई हम सेलिब्रेट करते हैं कारगिल दिवस के रूप में, और 26 2021 को इस साल 50 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे कारगिल दिवस को। तो इसी के उपलक्ष्य में एक कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है, वो है रंग दे वीर कॉम्पिटिशन। तो इस कंपटीशन का मेन जो पर्पस है वो क्रिएटिव अवेयरनेस अबाउट द फॉलन हीरोज ऑफ आर आर्म्ड फोर्सेस अमंग द स्कूल चिल्ड्रन एंड इंस्पायर देम टू बी वर्दी इंडियंस। तो इसकी जो थीम होगी इस ईयर की, इस कंपटीशन की, इस पेंटिंग कंपटीशन की जो थीम होगी वो होगी स्वर्णिम विजय वर्ष। स्वर्णिम विजय वर्ष इसकी थीम होगी। तो इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, देखिए ये कॉन्टेस्ट जो ओपन है क्लास 1 से लेकर 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए ओपन है, चाहे वो ओपन स्कूल में स्टडी कर रहा है, चाहे स्पेशल नीड्स स्टूडेंट है, या चिल्ड्रन जो सीबीएसई से एफिलेटेड हैं आउटसाइड इंडिया, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसकी जो सबसे बड़ी बात है, इसमें आपको कोई भी पार्टिसिपेशन फी नहीं पे करनी है, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इस कॉन्टेस्ट में देखिए क्या क्या आगे क्राइटेरिया, थोड़ा सा हम और क्राइटेरिया जान लेते हैं। देखिए इसमें टू कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है, जूनियर कैटेगरी एंड सीनियर कैटेगरी। जूनियर कैटेगरी में जो क्लास 1 से लेकर 6 तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एंड सीनियर कैटेगरी में क्लास 8 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही साथ याद रखना इसमें एज लिमिट भी दी गई है, जो जूनियर कैटेगरी के स्टूडेंट है उनकी एज 12 ईयर से अबव, और सीनियर कैटेगरी है उसके स्टूडेंट्स की एज 18 ईयर से अबव नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी कंडीशन डिफरेंट है, जो चिल्ड्रन जो स्पेशल नीड है और कैटेगरी है वो अंडर स्पेशल कैटेगरी में आएंगे, उनके लिए कोई इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी। अब प्राइजेस की बात करते हैं, तो प्राइजेस जो है टोटल 56 प्राइजेस होंगे, 28 प्राइजेस इन ईच कैटेगरी, यानी जूनियर कैटेगरी में 28 प्राइज, सीनियर कैटेगरी में 28 प्राइज होंगे। और जो फर्स्ट प्राइज होगा आपका वो होगा 25,000 रुपीज प्लस सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस, सेकंड प्राइज 15,000 एंड सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस, एंड थर्ड प्राइज होगा आपका 10,000 एंड सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस होगा, एंड 20 कॉन्सोलेशन प्राइज होंगे 2100 ईच अलोंग विद सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस, और इसके साथ साथ 5 स्पेशल प्राइजेस होंगे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। इसके साथ साथ एडिशनली ईच विनर विल बी गिवन अ गिफ्ट कंटेनिंग अ सेट ऑफ बुक्स साइंड बाय ऑथर्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन टू टॉप 100 पार्टिसिपेंट्स। सीनियर कैटेगरी में भी आपके सेम प्राइस होंगे, जो सारे प्राइजेज हैं जूनियर और सीनियर कैटेगरी में वो सेम है। अब आप इसको सबमिट कैसे करेंगे अपनी पेंटिंग को, देखिए पेंटिंग को सबमिट करने के लिए आप एक ईमेल आईडी दी हुई है, आप सबसे पहले अपने पेंटिंग का एक अच्छे से एक फोटो लेंगे, गुड क्वालिटी ऑफ फोटो स्कैन करेंगे उसे, और स्कैन करने के बाद जो आपकी जो डिजिटाइज पेंटिंग हो, देखिए यहाँ क्लियर लिखा हुआ है आपकी जो पिक्चर हो डिजिटाइज पेंटिंग शुड बी A3 इन साइज, A3 साइज में होनी चाहिए। A3 साइज में कितना, 11.69 बाय 16.54 इंचेस होनी चाहिए, और जो उसका पिक्सल है वो होगी आपकी 300 PPI, यानी पिक्सल पर इंच आपकी होगी 300। और जूनियर कैटेगरी की जो आप अपनी जो ड्राइंग है वो सेंड करेंगे, ये ईमेल आईडी दी गई है आपको honor.rdv.junior@gmail.com, आप यहाँ पर अपनी जो ड्राइंग है यहाँ पर इस ईमेल आईडी पर सबमिट करेंगे, और साथ के साथ अपनी कॉन्टेक्ट मेल आईडी आप साथ में लिखेंगे, और आईडी ऑफ द पार्टिसिपेंट और पेरेंट और टीचर एंड कॉपी ऑफ हिज और फोटो आइडेंटिटी, स्कूल आईडी आप साथ में भेजेंगे या आधार कार्ड, कोई भी ऐसी आईडी आप साथ भेजेंगे जिससे आपकी आइडेंटिफिकेशन हो सके। इसी तरह आप सीनियर कैटेगरी के लिए भी आपको ईमेल आईडी दी गई है, आप यहाँ पर अपनी पेंटिंग को सेंड करेंगे। याद रखें कि आपकी जो पेंटिंग के साथ साथ आप अपनी आईडी भी अटैच करेंगे, और जो पार्टिसिपेंट हर पार्टिसिपेंट आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी एक
साइन करके भेजना होगा, अटैच करके भेजना। जब पेंटिंग सबमिट करेगा उसको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी साथ में सबमिट करना होगा, जिसमें कि लिखा होना चाहिए आई सर्टिफाइड दैट द वर्क सबमिटेड बाय मी इज माय ओन एंड ओनर पॉइंट इज फ्री टू यूटिलाइज द सेम इन एनी मीडिया और फॉर्म, और इसके नीचे आपको साइन करने होंगे, और वो साइन जो ये डिक्लेरेशन फॉर्म है आप उसे भी अटैच करेंगे। अब टाइमलाइन की बात करते हैं, इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 15th अगस्त है, आप 15th अगस्त तक इसको सबमिट कर सकते हैं। और इसमें थोड़े से जजिंग क्राइटेरिया दिया हुआ है, आप जजिंग क्राइटेरिया को भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए रिजल्ट की जो बात है, सबको रिजल्ट की टेंशन पहले होती है, तो रिजल्ट वुड बी अनाउंस विद इन 4 वीक्स आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, यानी कि 15th अगस्त लास्ट डेट है, तो लगभग आपका 15th सितंबर तक का इसका जो रिजल्ट है वो पब्लिश हो जाएगा ऑनर पॉइंट की वेबसाइट पर, यानी कि सेम वेबसाइट पर, सोशल मीडिया जो इसके हैं उन पर भी इसका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। तो और थोड़ा सा एवेलेशन क्राइटेरिया दिया हुआ है इसमें, देखिए एवेलेशन जो होगा आपकी क्लियरिटी ऑफ थीम कितनी है, क्रिएटिविटी क्या है, कॉम्पोजिशन एंड ओवरऑल डिजाइन कैसा है, तो इस तरह से आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अपडेट्स जाने के लिए आप ये देखिए फेसबुक पेज दिया हुआ है इसका, इंस्टाग्राम पेज दिया हुआ है, आप इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं मोर अपडेट्स के लिए। तो उम्मीद है इस तरह मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी, तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।